गांधी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा से लोगो आ रहा है श्याम जी, जो आरएसएस के लोगों ने कमा दिया उसको केवल वही जो है मंत्री जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नवादा प्रकरण पे अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार पे निशाना साधा है। जीताराम मांझी को भी कहा है, क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं क्या, किस तरह का आप बयान दे रहे हैं? जीताराम मांझी कह रहे हैं कि यादव लोग के उकसाने पे वहाँ पे पासवान जाति के लोग ने आग लगा दिया है दलित बस्तियों में। क्या कुछ करें तेजस्वी यादव पर अपन के बयानों को सुने। नवादा में घटना घटी है सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है, और इसको लेकर के आप पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। देखिए, आपका पीटीआई भी लगा दिया है। मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की समस्या चुप मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री देखिए माइक पकड़िए, और रखिए ना। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा से लोगो आ रहा है श्याम जी, जो आरएसएस के लोगों ने कमा दिया उसको केवल वही जो है नीचे डबल है पढ़े, तथ्य से सत्य उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी चार राज्यों का चुनाव था, चार राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराए भाई, महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराए जो पांच राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। ये एक तरीका है, धीरे धीरे जो है जो संविधान ख़त्म करने की बात है उसकी ओर ढकेला जा रहा है, और ये धीरे धीरे इलेक्शन को समाप्त करने का एक प्रयास है बीजेपी के आरएसएस के एजेंडे में। सर, राहुल गांधी के खिलाफ तेज प्रताप यादव जी का भी नाम सुन रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना तेजस्वी यादव जीताराम मांझी को कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार का और कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या इस मसला को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं क्या, उस तरह का बयान देते हैं। आपको बता दें, लगातार बिहार में सियासत इन दिनों इसको लेकर तेज है। तमाम जो नेता हैं इंडिया के कह रहे हैं कि किसी खास लोग के बहकाने पर एक घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पे जमकर निशाना साधा। बहरहाल, इसको इतना ही, इसी तो तमाम खबर बन रहे हैं। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।